इस वीडियो को आप एक मिनट स्किप करके भी प्ले कर सकते हैं नमस्कार दोस्तों कैसे हैं आप लोग हम फिर से वापस आ चुके हैं एक नए वीडियो के साथ तो गाइज अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए और इस हमारी बेल आइकन को भी दबा दीजिए इस वीडियो को लाइक करिए कमेंट करिए और अपने फ्रेंड के साथ फैमिली के साथ इस वीडियो को शेयर करिए गाइज हम बहुत सारे वीडियोज आपके लिए लाते रहते हैं पूरे न्यूज से रिलेटेड जो भी वायरल मटेरियल होता है

कोशिश की कि कोशिश की पड़ी कि हम मैच हार जाए लेकिन हम हारे नहीं मैच समम्बावोन ने कहा कि हम आपको साथ देते हैं और आपको इनशाला कोशिश करते हैं कि आपको मैच वापस लाते हैं आ, दिस मैच अगेन दूसरी बैटिंग देखिए यार आ, एक सर्टेन टेम्परेचर है इस कमरे का हुँ. मुझे उसके हिसाब से कपड़े पहनने हैं बिल्कुल सर्टन uh, एक मैनरिज्म है जो मुझे फॉलो करने है, एक, uh, हैं सर्टन एक प्रेजिडेंट सेट्स हैं यहाँ पे तो इसको मुझे फॉलो करने क्रिकेट के भी होते हैं विकेट बुरा है तो विकेट के हिसाब से मैं खेलूंगा ना यार या मैं अपने विजुअल थिंकिंग के हिसाब से खेलूंगा इमेजिन विकेट मुझे कह रहा है मैं शॉर्ट अलाउ नहीं कर रहा hmm. मैं अलाउ नहीं करूँगा आपको अपनी गेम खेलने के लिए मैं नहीं दूंगा इजाजत आपको कि आप अपना फ्रीली Uh, आप में शॉर्ट खेल सके बॉल रुक के आ रहा है बॉल थोड़ा स्पिन होकर आ रहा है स्लोर वन वेरिएशन के साथ जो बॉल आ रहा है आपको हिट नहीं लगती वहां पर तो मैं आपको इजाजत नहीं दे रही विकेट है, विकेट कह रही है आपसे लेकिन आप कह रहे नहीं मैंने इनफोर्स करना मार नहीं मार रहा है ऐसे मेरे रहना बॉल खेलना ही नहीं ओ भाई कुछ थल्ले भी क्रिकेट खेल लो इज अ क्रिकेट देर इज अ क्रिकेट ऑन द ऑन द ग्राउंड दैट यू कैन बी प्लेड ऑल्सो कैन बी लुक टैट यू नो यू कैन टैप

सुखेरा साहब के साथ मैं खेल रहा था तो सुखेरा साहब ने कहा यार के जोर से हेट ना मार गोल्फ की बॉल को इसको प्लेस करेगा ना डिस्टेंस से जाएगी खुद ही hmm. तो तूने बॉल पर नज़र रखनी है जोर नहीं लगाना है इस पर हम कह रहेगा कि हमने बॉल पर नज़र रखनी नहीं हमें जोर से मारना है ग्राउंड से बाहर ग्राउंड से बाहर मारना है ग्राउंड hmm. से बाहर मारने वाली क्रिकेट नहीं थी आज ये आज वो दिन नहीं था बट वेरी एम्बेरसिंग है अहमद इट्स इज रियली एम्बेरसिंग That Pakistan is losing Zimbabwe. Not that is Zimbabwe लूजिंग जिंबावे is दैट इज जिंबे साइड बाई द वे प्लीज understand. अंडरस्टैंड आपने शुरू में कहा था मैंने कहा था आपसे पहले दिन कहा था Zimbabwe बुरी टीम नहीं है और ना ही कोई ऐसी टीम है कि वो वॉक वॉक ओवर कर जाएंगे इसको आपको और आपको एक सौ अठतीस एट पार स्कोर है ना यहां पर छत्तीस एक चालीस एक सौ छत्तीस हाँ जी वही कहते थे hmm. देखो ना हमारा जो टीनो भाई है hmm. टीनो भाई मैं आई एम रियली इंप्रेस्ड विद टीनो भाई जो हमारा पिच रिपोर्ट देता है इज अ ग्रेट गाय मुझे बड़ा अच्छा लगता है भाई वन ऑफ द मोस्ट स्कंदर

तीनों बहुत बहुत काम का बंदा है तीनों मेरी क्रिकेट टीम का कोच होना चाहिए तीनों hmm. ने बताया हमें कि यार 140 की ये चीज है और 140 में हमने आपको पकड़ना और इसे मैच जीतना इसमें हारना बट इट इज नाउ अगेन ये मेरा पुराना रख दिया मेरे पास hmm. और uh, uh, अगर आप देखे बैटिंग ऑर्डर देखे यार बिल्कुल बिल्कुल थोड़ी सी पार्टनरशिप चाहिए थी hmm. आपके पास पड़ा हुआ है बिल्कुल थोड़ी पार्टनरशिप चाहिए थी आपके पास Uh, और पार्टनरशिप यार कहाँ है दस पंद्रह बीस तीस 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 पैंतीस पैंतीस और पार्टनरशिप देखें पार्टनरशिप्स तो आपको पहली पार्टनरशिप भी कहीं नजर नहीं आई मतलब हार्डली एक भी पार्टनरशिप मैं कह नहीं सकता से रिक्वेस्ट ही कर रहा था कि भाई ये तू ही ठहर जाए यार टाइम अच्छा चल रहा है आपने कहा फंस के खेल लेता तो

पांच ओवर्स में और सिर्फ अठारह रन दे पाए तो एक अच्छा मैच रहा उनके लिए भी मैन ऑफ द मैच भी उनको मिला लेकिन पाकिस्तान की प्रॉब्लम अभी तक वही है हम बार बार ये बात करते हैं मेरे ख्याल से जो हम ट्रांसमिशन या प्रोग्राम के बाद देखते हैं लोगों का इतना गमो गुस्सा आता है कमेंट्स में या सोशल मीडिया पे बाजा अवत लगता है कि शायद बहुत ओवर क्रिटिसिज्म हो गया बट अब आई थिंक समटाइम्स हमें लगता है कि आप बिल्कुल सही बात की है और अब अब मतलब जब निन्यानवे पे ऑल आउट होगी एक टॉप क्लास टीम जो आप बनना चाहते हैं जो आप कहते हैं हमने वर्ल्ड कप में परफॉर्म करना है जो हम कंपैरिजन करते हैं अपना इंडिया के साथ हमेशा तो वहां तक पहुंचने के लिए फिर आ, ये चीजें नहीं होनी चाहिए निन्यानवे ऑल आउट स्पीक्स वॉल्यूम कि हम कहाँ जा रहे हैं और शोब भाई ने वैसे भी आ, पहले मैच में शोब भाई आपने कहा था कि आ, पाकिस्तान हैज गॉटन ऑन द राइट ट्रैक अब उधर तक पहुंचना इसको कंटिन्यू कैसे रखना है hmm. ये आपने कहा था इज वेरी इंपॉर्टेंट और वही तो तो शायद लिंक मिसिंग रहा और लिंक सबसे जो मिसिंग जो लिंक है ना हमारे पास वो अगेन मिडल ऑर्डर है मैंने आपसे पहले भी कहा था ना कि बाबर प्लीज कम डाउन मिडल ऑर्डर हमारा वीक है आप नीचे जाओ फखर को ऊपर जान दो वो अगर कोई थोड़ा मैसअप करता भी है थोड़ा बहुत खून भी शॉट मारता है तो मिडिल में आप संभाल लोगे रिजवान संभाल लेगा आप नीचे ले आओ मिडल ऑर्डर हमारा फिर एक्सपोज हो गया उसको भी बहुत शदीद तकलीफ में होगा इस वक्त यार ये क्या मैंने किया आ, वो कोशिश उसने इंटेंट अच्छी थी उसकी कि यार पाकिस्तान को मैंने यहाँ से निकालूं पर अनफॉर्चुनेटली उसका वो, वो टाइम ही नहीं आ पा रहा जो तो गैम्पल सब पे ऑफ ही नहीं हो वो पे ऑफ नहीं हो पा रहा फैम कुछ नहीं कर पा रहा अपना है दानिश कुछ नहीं कर पा रहा दानिश आप यहाँ से ये वीडियो छोड़कर जा सकते हैं ये वीडियो यहाँ पर होता है खत्म तो आप लोग आईपीएल में बिजी हो और वहाँ पर पाकिस्तान जिम्बाब्वे से मैच हार गई दोस्तों आपको पता होगा भारत पाकिस्तान के बीच सोशल मीडिया में जो क्रिकेट फैंस हैं वो उनकी वॉर किस तरीके की जारी रहती है पाकिस्तान के लोग हमेशा उनका एक ही है कोई भी नया लौंडा आया उसको विराट कोहली से कंपेयर करते हैं मतलब अभी जो बाबर आजम है नो डाउट ही इज़ अ वेरी गुड प्लेयर और अच्छा प्लेयर है बहुत टेक्निकली साउंड प्लेयर है और बहुत मतलब कूल और अच्छे से रन बनाता है आज लेकिन उसने वही कूलनेस दिखाई और इतना स्लो खेल गया कि वो उनकी टीम ख़त्म हो गई गाइज़ मैं आपको बता दूं पाकिस्तान जिम्बाब्वे के ख़िलाफ़ जिम्बाब्वे से सीरीज़ वैसे ही खेलती है तो इसे ऐसे से बड़ी सीरीज़ बोला जाता है सोशल मीडिया पर फैंस इतना ट्रोल करते हैं कि आपको भी पता है कि बाबर आजम ने जो अपना करियर स्टार्ट किया था तो उसने जो छोटी टीम थी मतलब छोटी टीम मैं श्रीलंका को भी बोलूँगा क्योंकि श्रीलंका आपको भी पता है कि अभी कुछ सालों से बहुत मतलब बहुत बेकार प्रदर्शन है श्रीलंका का वो श्रीलंका नहीं रही और जिम्बाब्वे यहाँ तक कि स्कॉटलैंड तक के खिलाफ ये मैच खेला है और साउथ अफ्रीका को अभी हरा के आए साउथ अफ्रीका के पूरे प्लेयर आईपीएल में पता नहीं ये वहाँ पर किसके साथ खेला है लगता है किसी भी प्ले क्लब टीम से खिला दिया इनको वहाँ पर भी ये मैच जीत गए हैं तो आज ये जिम्बाम्बे से हार गए तो आप समझ सकते हो इनकी जो थी टीम जो इनके मेन प्लेयर थे मतलब बैट्समैन तो सारे पूरे थे बॉलर शायद इनने कुछ एक्सपेरिमेंट किया था लेकिन फिर भी बॉलर ने तो 118 पर काम डाल दिया था जिम्बाम्बे का तो बैट्समैन क्या कर रहे थे इनका नंबर वन बैट्समैन बाबर आज़म इनका रिजवान इनका मोहम्मद हफ़ीज़ और फकर जमन ये सब क्या कर रहे थे तो शोएब अख्तर का आपने रिएक्शन देखा वैसे ही शोएब अख्तर ऐसा लग रहा जैसे इनसे आज किसी ने मतलब इन ऐसा लग रहा है पाँच छः बार मास्टर पेशन करके बैठे ये स्टूडियो में इतना कम इतना कम एनर्जी के साथ शोएब अख्तर को तो मैंने नहीं देखा आपको भी पता है शोएब अख्तर की एनर्जी कितनी ज़्यादा रहती है और जब इंडिया मैच हारता है तो उधर कहाँ कहाँ के ये वर्ड लाते हैं और इंडिया जीतता है तो भी कहाँ कहाँ खिलाते हैं आपको भी पता है कि शोएब अख्तर को यूट्यूब चैनल है जो उसमें नाइन्टी से ज़्यादा सब्सक्राइबर इंडियन है ऑब्वियसली पाकिस्तान के हर यूट्यूब चैनल के जो भी क्रिकेट से रिलेटेड हैं जिसे भारत में देखा जाता है या पाकिस्तान में देखा जाता है उसमें नाइनटी फॉलोअर इंडियन के रहते ही हैं आपने भी देखा आई में वो कुछ भी हो जाए कुछ चैनल तो ऐसे हैं मतलब वो हर ओवर में एक वीडियो बनाने का सोचते हैं और करते भी हैं ऐसा तो आपने देखा पाकिस्तान की जो टीम पिछले से हारी है सोशल मीडिया में वैसे भी पाकिस्तान अभी काफ़ी खुश है आपको मैं बता रहा हूं ट्विटर पर ऐसे मतलब मैसेज आ रहे हैं कोरोना को लेकर जो कि काफ़ी ज़्यादा मतलब दुखदायक हैं पाकिस्तान के कुछ लोग ऐसी मजाक उड़ा रहे हैं इंडिया की जो लाशें जल रही हैं ये है वो है तो मैं उम्मीद करता हूँ कि पाकिस्तान में कोरोना की सिचुएशन बिल्कुल ना बिगड़े जैसे कि इंडिया में है हालाँकि मुझे लगता है पाकिस्तान में तो टेस्टिंग हो ही नहीं रही है आपको भी पता है कि जब वहाँ पर टेस्टिंग ही नहीं है वहाँ पर अभी तक मुश्किल से मुश्किल पचास लाख वैक्सीन भी नहीं बुलवाई गई हैं और लगी कितनी कम होंगी तो उनको कोरोना से कोई फिक्र नहीं है जो मरे तो मरे उनको कोई दिक्कत नहीं है इंडिया में को भी पता है कि सिचुएशन क्या है हॉस्पिटल से ही पता चल जाता है तो गाइज़ आप घर में रहें मास्क पहनें मास्क पहनने वाले लोग ये कोरोना से नहीं डरेंगे तो सही रहेगा मास्क पहनना जरूरी है और सैनिटाइज़र यूज़ करें अभी फ़िलहाल मुझे लगता है दस पंद्रह दिन के लिए घर में रहें और पटाख से रजिस्ट्रेशन कराएं मुझे पता है कि अभी जो 28 अप्रैल से रजिस्ट्रेशन चालू होने हैं आरोग्य सेतु ऐप में और जो भी वेबसाइट अवेलेबल है तो बिल्कुल टाइम वेस्ट ना करें क्योंकि जो वैक्सीनेशन के लिए अब बहुत ज़्यादा भीड़ मचने वाली है क्योंकि आपको पता है पहले तो व्हाट्सअप यूनिवर्सिटीज़ से जो खबरें आ रही थी उसमें वैक्सीन लोग लगवाने नहीं जा रहे थे पचास लाख भारत में वैक्सीन लगभग वेस्ट हुई और अब वैक्सीनेशन के लिए लोग ऐसे बेताब हैं क्योंकि वैक्सीनेशन लगाने के बाद आप कोरोना पॉजिटिव हो सकते हैं लेकिन आपकी डेथ नहीं हो सकती है नाइन्टी नाइन में ऐसा हुआ है तो ये बहुत अच्छा नंबर है गाई ये वीडियो यहाँ पर करते खाते प्लीज चला